कहते हैं मोहब्बत वो फूल है जो एक बार दिल की डाल पर लग जाए तो हालातों की कितनी और कैसी भी आंधियां आएं, वो गिरता नहीं है। ये कहानी है अंजू और नरेश की। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पहली ही नजर में उन्हें प्यार हो गया, लेकिन इजहार में समय लग गया और मोहब्बत का इजहार हुआ मोहब्बत वाले दिन ही, यानी वैलेंटाइंस डे को। अंजू, मुझे लगता है कि आज के दिन से अच्छा कोई और दिन नहीं हो सकता अपने दिल की बात कहने का। दिल की बात? ये लाल गुलाब देखकर तुम्हें अंदाजा तो हो ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो, थोड़ा डिटेल में बताओ। अंजू, मैं तुम्हें बहुत 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 प्यार करता हूँ। जिस दिन से तुम्हें देखा है उस दिन से तो तेरे नाम का बल्ब मेरे दिल में जल गया है। तो फिर बुझा लो उस बल्ब को। ऐसा मत कहो अंजू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। ये कहकर नरेश अपने हाथों में पकड़ा गुलाब अंजू को दे देता है। अंजू नरेश के हाथों से गुलाब ले लेती है और कहती है, आई एम सॉरी नरेश, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। किसी और से? किससे? इतने में अंजू अपने पर्स से एक और लाल गुलाब निकालती है जिसे देखकर नरेश चौंक जाता है। ये किसने दिया तुम्हें? अभी अभी तो मैंने तुम्हें कहा कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, उसी ने मुझे ये गुलाब दिया है। अंजू की बात सुनकर नरेश रुआंसा सा हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल रोने लगेगा। उसे तो लगता था कि अंजू भी उससे प्यार करती है क्योंकि वो उससे प्यार से बातें करती थी, अपनी हर छोटी बड़ी बात उससे शेयर करती थी। उसके साथ घूमने जाने में भी उसे कोई झिझक नहीं होती थी। फिर उसे लगा कि ये उसकी गलती है। अगर लड़की हंसकर बात कर रही है इसका मतलब वो उससे प्यार करती है, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा है। वो ये सोचकर वहाँ से वापस जाने लगा। तभी अंजू ने उसे पुकारा, कहाँ जा रहे हो, उसकी तस्वीर देखोगे क्या जिसे मैं प्यार करती हूँ? ये कहकर अंजू ने अपने पर्स से एक आईना निकाला और उसे नरेश के आगे कर दिया। नरेश ने बेमन से देखा, आईने में तो मैं हूँ। इस दिल में भी तुम ही तो हो बुद्धू, मैं तो बस मजाक कर रही थी। और वो लाल गुलाब मैं तेरे लिए लेकर आई थी। अगर आज तू प्रपोज नहीं करता तो मैं ही कर देती तुझे प्रपोज। ऐसा मजाक मत करना अंजू, तेरे बिना मैं मर जाऊंगा। पागल हो क्या, इस तरह मरने वरने की बात नहीं करना। अभी तो हमें जीना है, खूब जीना है, जिंदगी हंसकर बितानी है। दोनों ने तय कर लिया था कि कॉलेज खत्म होते ही वे शादी कर लेंगे। एक साल बाद पढ़ाई खत्म हो गई। नरेश को एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी सैलरी की जॉब भी मिल गई। उन लोगों ने अपने अपने परिवार को एक दूसरे के बारे में बताया। सुन रही हो ना तुम, हमारी बेटी को प्यार हो गया है और वो उसी से शादी करना चाहती है। हाँ, इसने बताया मुझे। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि इसे इतनी छूट दूं, कॉलेज भेजूं। कान खोलकर सुन लो, ये शादी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो लगा था कि आप लोग मेरे इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे। आप मॉडर्न सोच के हैं, लेकिन आप तो पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। अरे, प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है पापा। चुप हो जा, अपने पापा से कोई ऐसे बात करता है क्या? मम्मी, आप भी पापा का साथ दे रही हैं। ठीक है, मैं ये घर छोड़कर ही चली जाती हूँ क्योंकि शादी तो मैं नरेश से ही करूँगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। ये कहकर वो घर से बाहर जाने लगी। तभी उसके मम्मी और पापा दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अरे मेरी प्यारी बेटिया, तुम सारा दिन हमसे मजाक करो तो ठीक, और हमने जरा सा मजाक कर लिया तो घर छोड़ कर जाने लगी है? आप लोग मजाक कर रहे थे पापा? हाँ बेटा, मजाक कर रहे थे, लेकिन शादी के पहले मुझसे उसे मिलवाना जरूर, ठीक है? जरा मैं भी तो देखूं कि मेरी प्यारी अंजू की पसंद कैसी है। उधर नरेश के परिवार वालों ने थोड़ा एतराज जताया, लेकिन बाद में वो मान गए। 7 मई को एंगेजमेंट और 27 मई को शादी का दिन फिक्स हो गया। उनके एंगेजमेंट होने के 4 दिन बाद की बात है। नरेश के घर से अंजू के पापा के नंबर पर कॉल आया। हेलो समधी जी, बहुत बुरी खबर है, नरेश को
जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, वो सेंसलेस है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये केस उनके हाथ के बाहर है। ऊपर वाले से दुआ करिए, आप हो सके तो अंजू को लेकर यहाँ आ जाइए। हाँ। अंजू के पापा ने जब ये सुना तो उनका दिमाग सुन्न हो गया। पास ही उनकी पत्नी खड़ी थी, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने सारी घटना बता दी। जब वो अपनी पत्नी को ये सारी बातें बता रहे थे तो अंजू भी वहां आ गई। उसने सब सुन लिया। पापा, मेरे नरेश को कुछ नहीं होगा, आप जल्दी अस्पताल चलिए। वे सभी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में नरेश की हालत देखने लायक नहीं थी, वो बेसुध पड़ा हुआ था। नरेश, नरेश क्या हुआ है तुम्हें? तुम उठते क्यों नहीं? देख नहीं रहे सब यहाँ कितने परेशान है? चलो जल्दी उठो नरेश, उठो। लेकिन नरेश के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। ये देखकर अंजू को बहुत गुस्सा आ गया। नहीं सुन रहे हो ना तुम मेरी बात? ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। नरेश, नरेश उठो ना, प्लीज उठो ना। इसके बाद नरेश के शरीर में कुछ हलचल हुई, जिसे देखकर डॉक्टरों में उम्मीद जागी। उन्होंने फिर से उसे बचाने के प्रयास शुरू किए। 35 घंटे नरेश कोमा जैसी हालत में था। इस बीच डॉक्टरों ने उसके 3-4 ऑपरेशन किए। 35 घंटे बाद नरेश को होश आया। लेकिन जब उसे होश आया तो सब कुछ बदल चुका था। उसके दोनों बाजू और एक पैर को काटना पड़ा। ये देखकर उसकी चीख निकल गई। हे भगवान, यह क्या किया आपने? इससे अच्छा तो मुझे मार देते। नरेश के होश में आने की खबर बाहर खड़े उसके परिजन और अंजू को भी लगी। वे सभी भी नरेश को ऐसी हालत में देखकर शॉक्ड रह गए। अंजू तो नरेश को पकड़कर रोने लगी। ये सब क्या हो गया नरेश? क्या हो गया? किसकी नजर लग गई हमें? अंजू, अब यही मेरा सच है और इसे मुझे स्वीकारना होगा। कुछ दिनों बाद नरेश घर आ गया। अब वो पूरी तरह दूसरे पर डिपेंडेंट था। उसे उठाना, बैठाना, ब्रश कराना या खाना खिलाना, ये सब अब वो नहीं कर सकता था। अपनी हालत देखकर उसे बहुत रोना आ रहा था। थोड़ी देर बाद अंजू आई। उसने उसे रोता हुआ देखा तो उसके आंसू पोंछे। तब नरेश ने कहा, अंजू, मेरे आंसू तो तुमने पोंछ दिए, लेकिन मैं तुम्हारे आंसू अब कभी नहीं पोंछ पाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो नरेश? अंजू, जो सच है वो कह रहा हूँ। इस सच के साथ मेरा जीना ही कठिन है, तुम कैसे जियोगी? देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए अपना जीवन बर्बाद करो। प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम किसी और से शादी कर लो, तुम्हारे पास तो पूरा जीवन पड़ा है। अगर तुम्हारा बोलना हो गया है तो मैं कुछ बोलूं? मेरा जीवन तुम्हारे साथ है नरेश, तुम्हारे बिना नहीं। माना कि जीवन बहुत कठिन होगा, लेकिन खुशी ये है कि तुम्हारे साथ होगा। अंजू के घर वालों ने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नरेश के साथ ही पूरी जिंदगी बिताने पर अड़ी रही। अंजू, हम जानबूझकर तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकते जहाँ कोई फ्यूचर नहीं है मेरी बच्ची। मेरी बात मान जा बेटा, नरेश को भूल जा। पापा, हम कभी सांस लेना भूल सकते हैं क्या? नहीं ना, नरेश मेरे लिए मेरी सांस की ही तरह है, मैं उसे नहीं भूल सकती। पापा, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। अंजू ने नरेश के साथ शादी कर ली। उसका जीवन कठिन है, लेकिन इस जीवन में प्यार बहुत है। एक माँ जैसे अपने छोटे बच्चे की देखभाल करती है, अंजू को नरेश का करना पड़ता है। चाहे उसे नहलाना हो या ब्रश कराना या खाना खिलाना, लेकिन अंजू को कोई शिकायत नहीं है। उसने अपने दिल के आईने में नरेश की तस्वीर आजीवन संभाल रखने का फैसला किया है। उनकी मोहब्बत हालात के हाथों घुटने टेक सकती थी, लेकिन वो जिंदाबाद रही। सच्ची मोहब्बत तो जिंदाबाद ही रहती है ना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।